करुण में बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 सप्ताह के भीतर बंदरों की समस्या से निजात नहीं मिली तो वे 15 जनवरी से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार दीक्षा जोशी को ज्ञापन भी दिया। तहसील में आयोजित प्रदर्शन सभा में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हरीश जोशी ने कहा कि कत्यूर घाटी के अधिकांश हिस्सों में बंदरों ने काश्तकारों व व्यापारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बंदरों का उत्पात आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर जहां खेती चौपट हो रही है, वहीं छोटे बच्चों की सुरक्षा का भी संकट पैदा हो गया है। बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि काश्तकारों का खेती से मुंह बंद होता जा रहा है। खेतों को भी नुकसान करने के साथ साथ बंदर महिलाओं व बच्चों पर भी हमले कर रहे हैं। बंदरों ने साग सब्जी और खेती सब चौपट कर दी है। बंदरों का झुंड घरों में घुसकर सामान ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंध में कई बार मांग करने के बाद निजात नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निजात नहीं मिलती है तो 15 जनवरी से भी आंदोलन शुरू कर देंगे। तहसील में ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में दिया गया और क्या आपकी मांग है? जंगली जानवरों का आबादी की तरफ अतिक्रमण जो है हमारे यहाँ की खेती को, यहाँ के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है और एक उत्पीड़न भी उनके द्वारा मानव समाज में हो रहा है और यह सुरक्षा की भावनाएं जागें, इसके लिए प्रशासन को, शासन को कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए कि ये कम से कम आबादी की तरफ ना आए, इनका बंदीकरण हो। और बाघ हमको दिन में ही दिखाई दे रहा है और जंगली जो जानवर हैं, सुअर हैं और हमारे जो यहाँ पर लंगूर भी दिखाई दे रहा है उनसे पर्वतों पर, और बंदरों तो है ही हैं बाजार क्षेत्र में, तो कम से कम सैकड़ों के हिसाब से बंदरों का दल आ रहा है। और स्कूल में जाना बच्चों का दूभर हो गया है, महिलाओं का खेतों में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया, कई महिलाओं को काट दिया, इतनी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें पिछले 4 वर्षों से लगातार कई ज्ञापन, कई यहाँ पर आंदोलन भी हुए लेकिन अभी कोई सकारात्मक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे 2 लाइन में कहना चाहता हूँ, जंगली सुंगरों का दंगल बांझ भिड़ाल खान जानो और बानरों को दल चाहते हैं दिन दिन दुगुण बढ़ने जानो, मुठ भरी का धान रहेगी ठुल भकारा टू कुकुरा भूख धरे मण हो। हमारे जो कुकुर धरेगी, जो हमारे पहरियों धरेगी, इन्होंने बिल्कुल ये मुनी जाएगी और बिल्कुल कोई अपन काम करना नहीं रहे, डर गए हम। दिया गया किस संबंध में दिया गया और क्या आपकी समस्या है? देखिए, हम लोग सब कत्यूर घाटी के निवासी हैं और यहाँ पर बंदर और जंगली जानवरों का जो आतंक हुआ है उसके बाद से जनता यहाँ की बहुत त्रस्त है और इस सब का एक स्थायी समाधान चाहने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपजिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, गरुड़ बागेश्वर में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इसका एक कोई ऐसा हल निकाल पाएंगे कि यहाँ की जनता को इससे राहत मिल पाएगी। वास्तव में देखें तो बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है, खेती और यहाँ की जो उपजाऊ क्षमता है उसको तो इससे जो नुकसान पहुँच रहा है, पर बंदर इतने हिंसक हो चुके हैं कि राह चलते लोगों को, स्कूल जाते हुए बच्चों को काट देना, और जनता इस सबसे इतनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है कि अब आंदोलन के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। सरकार अगर समय से जागे, वन विभाग और ये सब लोग आपस में अपना समन्वय करके इन समस्याओं से अगर इनको निजात दिला सकें, तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पर तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से प्रेषित किया है और हमारा अगला चरण ये रहेगा कि हम इसके बाद एक ज्ञापन अपने क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से और हमारे जो यहाँ के दर्जा राज्य मंत्री हैं उनके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी तक हम पहुँचाएंगे और उम्मीद के साथ पहुँचाने की हमारी प्रक्रिया है कि इसका समाधान हमें मिलेगा। और समाधान मिलने के साथ ही अगर ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं तो जैसा कि सिविल सोसाइटी इस पूरे अभियान को अभी यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रही हैं, तो सिविल सोसाइटी के संरक्षक माननीय डीके जोशी जी, जो हमारे उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं, तो उनके उस पर मार्गदर्शन पर एक ऐसा है कि एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन यहाँ पर चलाने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और एक सूत्री मांग को लेकर तैयार किया गया है, तो उसमें कोशिश ये रहेगी कि इसका जनता की मांग के अनुसार से इसका कोई समाधान निकल सके। ठीक है।